देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव नायक नगला में प्रतिबंधित पशु का अवशेष शमशान स्थल पर मिलने से हिंदू संगठन में रोष व्याप्त हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लेकर ग्रामीणों की तहरीर पर चार पशु तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक पशु तस्कर को हिरासत में लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। ये मामला है चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नायक नगला। ग्राम प्रधान राजीव त्यागी ने बताया कि जब वह चक रोड के रास्ते अपने खेत पर जा रहा था, तब शमशान स्थल के निकट पहुंचा तो गांव मसीत में चार व्यक्ति अपने हाथों में छुरी और चाकू के साथ एक गाय को काटने में लगे थे। चारा काटने आए तो यहाँ देखा तो गाय कटी हुई मिली हमें। किसको सूचना दी आपने? वो जो ने कोतवाल साहब को सूचना दी और चौकी इंचार्ज की सूचना। क्या किया पुलिस ने आकर के? यहाँ आकर उन्होंने ये जो ये देखा इधर उधर अपने पूरा मामला जो आज गिरफ्तारी हुई। कि फोन से सूचना मिली थी कि नामक नगला के किसी शमशान में कोई गाय पड़ी हुई कटी हुई। इस सूचना पर मैं मौके पर गया तो एक गाय पड़ी हुई है, लेकिन कटी हुई गाय तो हमको नहीं मिली। उसकी खाल उतरी हुई है, लग रहा है किसी ने वहाँ पे डाली है। और ये भी हो सकता है कि लोगों ने वहाँ पे कटान के लिए लाए हों और देख के भाग गए हों। ये भी हो सकता है कि कटान उसका किया गया हो वहाँ पर, तो उसके लिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर की टीम लगी है, उसको पता कर रही क्या हुआ। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। रिजवान का नाम प्रकाशित हुआ, रिजवान के घर दबिश डाल दी गई और जो नाम उन्होंने बताए हैं तीन अन्य अपने गाँव वाले, उनके घर भी दबिश डाल करके उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों को देखकर वे लोग छुरी और चाकू कुल्हाड़ी खेतों में डालकर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाय काटने के उपकरणों को कब्जे में लेकर गाय के शव को गड्ढे में दफनाकर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पशु तस्करों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी क्राइम के लिए सलीम अहमद की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।